नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुस्लिम धर्मावलंबियों का पवित्र रमजान माह के आज 26वें रोजे पर शबे कद्र की रात मुस्लिम समुदाय की सबसे ज्यादा इबादत करने की रात होती है। इसी रात में जबलपुर शहर के तमाम हाफिजों का इस्तकबाल प्रोग्राम अलग अलग जगह पर किया गया। चारखंबा स्थित मंच पर नेता मदीन अंसारी व इश्तियाक अंसारी द्वारा तमाम हाफिजों का फूलमाला शाल पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस अवसर पर मुख्तार नादिर शायर जबलपुरी के मंच पर आ रहे मेहमानों का स्वागत सम्मान किया गया। वही थाना हनुमालता नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश कौर सहित थाना प्रभारी उमेश कोहलानी को फूलमाला सहित शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। थाना हनुमालता पुलिस बल को धन्यवाद दिया। इस तरह शहर में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता कायम रहे, चैन और अमन बना रहे। इस अवसर पर मदीन अंसारी, शफीक अंसारी, आसिफ अंसारी, अफरोज अंसारी, सोनू अंसारी, आज़ाद अंसारी, डॉक्टर कदीर अंसारी, कुतुबुद्दीन अंसारी, मुख्तार अंसारी, इश्तियाक अंसारी उपस्थित हुए। तमाम लोगों ने मुल्क के हिंदुस्तान के लिए दुआएं की। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एक कोरोना काल के बाद ये पहली बार ये सामूहिक रूप से त्यौहार मनाए जा रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज थाना गोवालपुर और हनुमानताल से के क्षेत्र में संयुक्त रूप से चारखंबा क्षेत्र में जो पारंपरिक सम्मान कार्यक्रम किया जाता है मुस्लिम समुदाय के सभी सम्मानित लोगों के द्वारा, जहां जो मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाने वाले सभी जो हमारे हाफिज महोदय हैं या जो हमारे मौलाना साहब हैं, इन सभी का सम्मान कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी इस प्रकार के क्षेत्रों में जहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं लगाई जा गई है। सभी दूर सभी और सुरक्षा चाक चौबंद है, हर जगह से निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार का कोई विघ्न उत्पन्न ना करे। और पूरी जनता को, पूरे मुस्लिम समुदाय को पुलिस प्रशासन की ओर से और गोवालपुर हनुमानताल थाना क्षेत्र की ओर से हम सभी शुभकामनाएँ देते हैं और सभी की दीर्घायु होने की प्रार्थना करते हैं। मस्जिदों में कुरान शरीफ सुना रहे तमाम जबलपुर के हुफाज इकराम, जो कि एक रमज़ान से तरावी की नमाज़ अदा कराते हैं और आज शबे कद्र 26 रोजे में कुरान मुकम्मल होता है। तमाम हुफाज इकराम मस्जिदों से इस कुरान पाक मुकम्मल करने के बाद मस्जिद में जमात के द्वारा इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा जाता है और उसी सिलसिले में एक कदीमी बहुत पुराने दौर से हमारे बुज़ुर्गों ने एक रवायत बनाई है कि पूरे मुस्लिम क्षेत्र जो भी मस्जिदें हैं तमाम हुफाज इकराम वहाँ से जुलूस की शक्ल में चार खंभे पर आते हैं और यहाँ पर मदनी मिल्लत सेवा समिति के तमाम मेम्बरान की जानिब से उनकी दस्तारबंदी, और लगातार ये 31 साल हो गए दस्तारबंदी को। तो इस मुबारक मौके पर माह रमज़ान है, यही दुआ करेंगे अल्लाह पाक से कि जबलपुर संस्कारधानी में हमारा जो भाईचारा, सद्भावना, प्यार, मोहब्बत ये हमेशा कायम रहे और हम सभी धर्म मजहब के लोग मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार को इसी तरह मनाते रहें। मतीन अंसारी। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।